हर हर महादेव, हर हर गंगे मैया जी। गंगोरी उत्तरकाशी उत्तराखंड से आप अस्सी गंगा जी एवं माँ भागीरथी जी के परम पवित्र संगम से माँ गंगा जी के पुण्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और मित्रों, मैं अभी आपके साथ अपना एक विचार बांटना चाहता हूँ, कृपया सुनिएगा। जय गंगा मैया जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, आज आपसे कुछ विशेष बात करने के लिए मैं अभी आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने YouTube चैनल, Facebook पेज, Facebook ग्रुप सभी का एक ही नाम है, गंगा जी दर्शन। और सबका उद्देश्य भी एक ही है, अपने धार्मिक तीर्थ स्थानों के, गंगा मैया के, साधु संतों के, गुफाओं के, तीर्थ स्थानों के दर्शन। माँ ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आप तक पहुँचाता हूँ और आप भाई उसका आनंद लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि मैंने फेसबुक पेज और ग्रुप पर कुछ राजनीतिक पोस्ट डालना शुरू कर दी है। हालांकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये एक धार्मिक फेसबुक पेज है, ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है। यहां पर केवल और केवल अपने मंदिरों की, तीर्थ स्थानों की और देशभक्ति की पोस्ट ही होती है। तो पहले तो कुछ लोग मुझे बोल भी देते थे कि भाई आप राजनीतिक पोस्ट क्यों डाल रहे हैं, अब कोई बोलता नहीं है, ये अच्छी बात है। आप भाई बहन, जो मैं कहने वाला हूं आप पहले से समझते हैं कि मैं जो दिखने में लगता है कि राजनीतिक पोस्ट है, असल में वो मेरे धर्म से और मेरे देश से जुड़ी हुई पोस्ट होती है। जैसे केजरीवाल की अनेकों अनेक झूठी वीडियो की पोस्ट मैं डालता हूं, उसने क्या क्या वादे किए और क्या वो मेरे धर्म के लिए वो आदमी नुकसानकारी है। तो आप लोगों को वो जागरूक करने के लिए कि वो आदमी हमारे धर्म और देश के लिए ठीक नहीं है, वो आदमी कैमरे पर बोलने के बाद भी साफ मुकर जाता है कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। और एक, दो, चार, छह वीडियो नहीं, 10-12 वीडियो तो मैं डाल चुका हूं उसकी, जो कि कैमरे पर बोलकर, देश के सामने बोलकर वो मुकर जाता है। तो ये पोस्ट राजनीतिक नहीं है, ये पोस्ट मेरे धर्म के लिए है। क्योंकि आज उसने दिल्ली में हर मस्जिद में 40,000 रुपए दे रहा है, वो हर मस्जिद में हर महीने, और दिल्ली के 250 मंदिरों से ज्यादा के बिजली कनेक्शन काट दिए उसने। वो आदमी हमारे देश और धर्म के लिए खतरा है मित्रों। तो ऐसी पोस्ट जो होती है वो धार्मिक ही है, देशभक्ति की है, राजनीतिक नहीं है। अगर मैं मोदी जी की अच्छाइयां की पोस्ट आपको डालता हूं तो उन्होंने मेरे धर्म के लिए, मेरे देश के लिए बहुत अच्छा किया है, इसलिए डालता हूं। और मैंने तो पहले भी छाती ठोक के कहा है कि मैं मोदी भक्त हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा उद्देश्य केवल और केवल आप भाई बहनों तक धर्म का और अपने देश का सेवा करने का विचार है, प्रयास है। आशा करता हूं आप सभी भाई बहन साथ देंगे इसमें। मित्रों, ये सभी पोस्ट इस समय डालने का एक कारण और है कि इस समय उत्तराखंड में चुनाव है और भी 4 राज्यों में है। मुझे डर है कि भोले भाई बहन इस झूठे मक्कार की बातों में आकर, फ्री के लालच में आकर कहीं गलती ना कर बैठे। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।